नमस्कार दोस्तों हर शनिवार की तरह शुरुआत करेंगे इस हफ्ते की गिव अवे के अनाउंसमेंट के साथ इनामुल भाई इस हफ्ते की विजेता है उन्होंने काफी मेहनत की काफी लोगों के कमेंट्स पे जाकर रिप्लाई करके उनकी सहायता करी और इसलिए उनको पचास डॉलर ट्रांसफर किए जाएंगे इस वीडियो के बाद मेरा कोई व्यक्ति ट्रांसफर कर देगा बट इस वीडियो के महानायक हैं ये कमेंट अगर आपको याद हो कल की वीडियो में मैंने सी डी फाई फंड से लेकर नौसाना से लेकर फ्लक्स स्पॉट से लेकर सोल कैसिनो से लेकर जुपीटर से लेकर रेडियम सोलाना पोलका डॉट कई सारे ऑल्ट कॉइंस के आपको प्राइस टारगेट्स बताए थे मैंने काफ़ी सीखा आपके कॉमेंट्स में पढ़ता हूँ ज़्यादातर लोग ऑल्ट कॉइंस का ज्ञान चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको और ऑल्ट कॉइंस देखने को मिलेंगे खासकर मीम कॉइंस साथ ही बात करूंगा इथेरियम के प्राइस टारगेट के बारे में साथ ही बात करूंगा अगले दो हफ्ते का बिटकॉइन का प्राइस टारगेट क्या है मेरी नेचर नहीं है आप जानते मैं डरता हूं प्राइस टारगेट देने से बट अब जब लोग देखते हैं इसलिए कल की वीडियो पे रिकॉर्ड 800 से ऊपर लाइक्स है शायद अब जब तक आप देखेंगे 900 सौ लाइक से अच्छे अच्छे चैनल्स पर ऐसे लाइक्स नहीं आते मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए दोस्तों मुझे आपका प्यार चाहिए जो लोग भी वीडियो देखते हैं अगर उनका जीवन परिवर्तित होता है तो उस पर हम फोकस करेंगे आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी मॉर्गन स्टैली ई के अंदर घुस रहा है उसके बारे में बात करेंगे बहुत ही एक्शन पैक्ट वीडियो है बहुत मजा आपको आने वाला है मेरा नाम है रोहित शर्मा सटोशी टैकर ने आपका स्वागत है आठ लाइक्स बोले बट आपको पता है कोई गैस करना चाहेगा आज का गिव अवे सवाल क्या है हमें सब्सक्राइबर्स दिन में कितने आते हैं बीस या तीस सेम आई थिंक हमें ज्यादा सब्सक्राइबर्स आने चाहिए बट देखिए आपकी मर्जी है <coughs> तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस स्लो टाइम में शॉर्ट टाइम में स्लो टाइम में क्योंकि स्लो चल रहा है शॉर्ट टाइम में काफी स्लो चल रहा है सत्तर हजार के आसपास बोरियत लग रही होगी आपको आई फील यही वो रेसिपी फॉर महापम्प है क्या होता है तूफान से पहले का सन्नाटा बिटकॉइन के बड़ा पंप लेने के बाद आपको बोर करता है और उस समय मार्केट में ज्यादा से ज्यादा लोग नेगेटिव डंप पचास हजार की बात करने लगते हैं जैसे आपने कल सोलाना के प्राइस के साथ देखा कोई अपेक्षा नहीं कराता सोलाना एक सौ अस्सी एक सौ पचासी में सुस्त था कल हमने वीडियो में कवर किया सोलाना दो सौ टच करके आया कल मैं बिल्कुल क्रेडिट नहीं लूंगा इस बात का मैं आपको बिटकॉइन के लिए और जनरली मार्केट के लिए ये आगाह कराना चाहता हूं कि अगर मार्केट आपको बोर कर रही है तो बोर ना हो मैं आपको बोर नहीं करूंगा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको ऑलकॉइन के बारे में बात बताऊंगा इथेरियम के प्राइस टारगेट के बारे में बात बताऊंगा पहले Ethereum के प्राइस टारगेट के बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे बट सिक्स थर्टी सिक्स सेवन नाइन पर उसका बट मैं प्राइस टारगेट आपको बताऊंगा अठारह हजार डॉलर अब बात करते हैं गेयर बदलते हैं आपने ऑल्ट कॉइंस के लिए वीडियो देखी है मैं आपको स्पेशली मीम्स पर फोकस करूंगा क्रिप्टो मार्केट के पे आप जाइए आप कैटेगरीज पे जाएंगे आपको सारी कैटेगरीज मिलेगी आज मैंने मीम कैटेगरी चुनी है मीम कैटेगरी के अंदर क्या है दोस्तों मीम कैटेगरी के अंदर बड़े बड़े ऑल्ट कॉइंस हैं आपको कैसे चुनने ऑल्ट कॉइन मैं आपको बताता हूँ जो भी आपको चेन विश्वसनीय लग रही है जैसे मुझे सोलाना उसके बाद अवलांश पे काफी भरोसा है तो अवलांश को पकड़ लीजिए अवलांश के कौन से ऑल्ट ऑल्टकॉइन है अवलांश के पास कॉक इनू है हस्की है ब्लॉब है किम्बो है राइट हमारे इथीरियम के पास क्या है इथीरियम के पास कोइन है शीबा है फ्लोकी है पेपे है राइट हमारे सोलाना के पास क्या उसके पास है उसके पास बॉन्क है अ, उसके पास मायरो है उसके पास अ, मायरो uh, है और क्या क्या है मैं नाम भूल रहा हूँ कुछ कुछ रॉकी uh, है उसके पास डूको है उसके पास बैन द डॉग है सैमो है सोलामा है पोंकी है राइट एप वाइप विप हेट है मैं ये आपको नाम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि विनर्स हमेशा सारा पैसा लेके जाता है विनर कौन है सोलाना इथेरियम ये विनर चेन है और उनके ऊपर जो कॉइन बनेंगे वो विनर होंगे अब मैं इससे ज्यादा आपको ऑल्ट में कल बताऊंगा अब बात करते हैं इथेरियम की इथेरियम पे दोस्तों एक जबरदस्त फ्रैक्टल बन रहा है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा इथेरियम का जो स्टॉक एस्टिक आर एस आई है वो उस स्तर पर है इथेरियम का गोल्डन क्रॉस जो है वो अभी अभी बना है और ये सारी चीजें क्या दर्शाती हैं पिछली बुल मार्केट में जिस हम स्टेज पर थे बिट इथेरियम का प्राइस ची में 2.236 गया था आप देख सकते हैं अगर वीडियो को यहाँ पे पॉज करके देखें तो वही सपोर्ट वही रेजिस्टेंस वही 50 वीक्स और 100 वीक्स मूविंग एवरेज का क्रॉस और अगर मैं अब आपको यही चीज उठा के लेफ्ट साइड पर लेके जाऊं तो आप कहेंगे एक्जैक्टली exactly वही फ्रैक्टल बन रहा है केवल ये फर्क है कि ये ग्रीन कलर का पैच अभी बनना बाकी है। मैं आपको प्रूफ के साथ बताता हूं तो यहाँ पर हम पिछली बुल मार्केट, के बाद मार्केट, में गए। मार्केट के बाद हमने लगातार हमने फिफ्टी भी भी तोड़ा उसके बाद ये सपोर्ट लाइन थी हमारी जो हमने यहां पर सपोर्ट लाइन को टेस्ट किया ऊपर गए पिछली बार भी सपोर्ट लाइन को टेस्ट किया था ऊपर गए थे सपोर्ट लाइन से तेजी से नीचे गिर हंड्रेड वीक्स भी तोड़ दिया फिफ्टी वीक्स तोड़ा था हंड्रेड वीक्स हरी रंग की लाइन भी तोड़ दी और यहां पर काफी नीचे जाते हुए एक लेवल पर हमने वापसी की वो लेवल क्या हो सकता है वो कुछ नहीं पता यहां पर हमें पता है वो लेवल नौ सौ सात डॉलर का था पर उसके बाद जब हम ऊपर जाते रहे तो एक तरह से एक सपोर्ट लाइन का पैटर्न बनाते रहे राइट फिर से पहली बार हमें कहां से रिजेक्शन मिली इसी लाइन से जो पिछली बार हमारी सपोर्ट लाइन थी इस बार रिजिस्टेंस थी पिछली बूल मार्केट में भी को इसी तरह का, का रिजेक्शन मिला था रिजेक्शन प्राप्त करके हम फिर से नीचे बुल मार्केट की शुरुआत अंत में हमें जो ये फिफ्टी और हंड्रेड वीक्स मूविंग एवरेज का क्रॉस जो बना ये वाला जो क्रॉस है आई थिंक इसके बाद रॉकेट बूस्टर्स फट गए थे और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो हमने ना केवल अपनी जो काली वाली लाइन को सपोर्ट बना लिया है मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है स्टॉकेस्टिक आर एस है ठीक उसी जगह पर खड़ी हुई है जहां पिछली बार रॉकेट बूस्टर्स आए थे so, 2.36 पॉइंट 2.36 ए जो है वो फीबोनाची में इसका स्तर था जहां पर वो जाके रुका था वो स्तर इस बार की बुल मार्केट में करीब अट्ठारह हज़ार डॉलर पे दोस्तों आज का गिव अवे सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ अपना प्राइस टारगेट दीजिए क्योंकि मैं देने में विश्वास नहीं करता हूँ प्राइस टारगेट सबसे मुझे लगता है कि तुक्का मारने वाली चीज़ है बट अगर इथियम अट्ठारह हज़ार डॉलर पे जाता है तो पहले उसके जो बच्चे हैं इथियम के बच्चे कौन है डॉट हैं जिनके ऊपर और एल्टूज बने हुए हैं मैटिक है आर्बीट्रम है ऑप्टीमस है या जो उसके मीम कॉइंस से जैसे मैंने बताया आपको कि शीबा डोज ये सब लोग कहाँ जाएंगे याद दिला दूं कि का पिछली बुल मार्केट का ऑल टाइम हाई था अड़तालीस सौ डॉलर तो यानी अड़तालीस सौ से हम कहीं ऊपर शायद तीन गुना ऊपर चले जाएंगे तो क्या आपके जो फेवरेट कॉइंस हैं जो पिछली बुल मार्केट में जो जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया जिनके कारण आप हर किसी यूट्यूबर को क्रिप्टो को गाली देते हो हेट करते हो वो कहां जाएंगे एटलीस्ट विल दे हिट देयर ऑल टाइम हाई टेल मी वॉट विल बी योर रिटर्न अगर आपका होल्ड किया हुआ डॉच कॉइन में उन मैं आपको हिदायत नहीं दे रहा हूँ कि आप वो डॉच कॉइन खरीदिए मैं आपको दिलासा दे रहा हूँ कि जो डॉच कॉइन आपको परेशान कर रहा है अगर इथियम अट्ठारह हजार डॉलर पर जाता है तो आपकी डॉच कॉइन का प्राइस क्या होगा एटलीस्ट विल इट हिट ऑल टाइम हाई जो आपको मैटिक परेशान कर रहा है जो आपको डॉट परेशान कर रहा है उसका प्राइस क्या होगा अगर अभी भी आपको अभिव्यक्ति नहीं हुई है तो मैं आपको महाराजा बिटकॉइन के बारे में बताऊंगा कि वो इस लेवल पर खड़ा है कि दो हफ्ते में दो हफ्ते में हम तेरासी हजार डॉलर जाने वाले हैं क्यों लेफ्ट साइड पर आपके बिटकॉइन का प्राइस है राइट साइड पर बिटकॉइन के बड़े भैया बिटकॉइन के भी बड़े पिताजी एस एंड पी फाइव हंड्रेड यूएस स्टॉक मार्केट जिसकी मार्केट कैप तीस से चालीस ट्रिलियन डॉलर है मैं रेंज इसलिए बताता हूँ क्योंकि मूव करती रहती है इसने अभी हाल ही में एक बुलिश क्रॉस आ, बनाया था राइट बीअर एस क्रॉस बनाया था बुलिश क्रॉस बनाया था बियर क्रॉस के बाद क्या हुआ वो भी बताऊंगा बुलिश क्रॉस के बाद बताऊंगा क्या हुआ मैंने थोड़ा सा अपनी कन्वीनियंस के लिए बिटकॉइन को फोर आवरली पे लिया है और एस को वन वीक पे लिया है, क्योंकि एस स्लो मूव करता है बिटकॉइन बड़ी बड़ी दहाड़ दहाड़ लेता है राइट तो <coughs> यहाँ पर हमें बीअर मेगाफोन पैटर्न मिला था एस एन में भी काफ़ी नीचे हम गए थे जहां पर अंत में हम जाकर टू मंथली टू हंड्रेड डेली मूविंग एवरेज पे जाकर हम रुके थे अगर आप देखें पूरा पैटर्न यहाँ से बियर मेगाफोन पैटर्न चालू हुआ गिरते गिरते ग्राइंड करते करते रुके कहाँ पर हम एस एन के लिए हम जाकर रुके थे 200 मूविंग एवरेज 200 डेली मूविंग एवरेज जहां पर हमें रीबाउंड की स्थिति प्राप्त हुई थी जहां पर एक तरह से बियर मार्केट खत्म हुई थी बुल मार्केट ऊपर गई थी ये एस एन पी का लॉन्ग टर्म का चार्ट है जो ऑलरेडी एक प्लाट एक फ्रैक्टल बना चुका है जो बिटकॉइन अभी बनाएगा बिटकॉइन में हाल ही में जब एक बैड न्यूज़ आई थी कुछ तो बैड न्यूज आई थी मुझे याद भी नहीं है उसमें हम टू मूविंग एवरेज फोर आवरली टाइम फ्रेम पर जाकर बियरिश मेगाफोन को हमने यहाँ पर इनवैलिडेट किया था हम आई थिंक सिक्सटी वन थाउजेंड डॉलर तक चले गए थे जब काफ़ी सारे मेरे जो बियरिश भाई हैं वो मुझे टॉन्ट करने लगे थे देखा अब हम और ऊपर नहीं जाएंगे ये ऑल टाइम हाई हिट करने की बात की बात है पर वहाँ से हमने टू हंड्रेड पीरियड मूविंग एवरेज के बाद दोबारा से जब वापसी की अब आप देख लीजिए एक आखिरी समानांतरता मैं आपको बता रहा हूँ वो है कि एस एन पी फाइव हंड्रेड बड़े भैया ने जब बुलिश क्रॉस बनाया था जब फिफ्टी ने हंड्रेड को क्रॉस किया था उसके बाद रॉकेट बूस्टर छपे थे जो फिबोनाची में 1.382 तक गए थे और स्टॉक आरएसआई भी शॉर्ट टर्म में यहाँ पर हमारी बॉटम हो चुकी है अब वापस जाना शुरू करेगी क्रॉस बन चुका है 1.382 का प्राइस करीब करीब अस्सी इक्यासी हज़ार डॉलर पे है जो अस्सी इक्यासी हज़ार डॉलर अगर आपको याद हो मेरे चैनल पर पिछले एक हफ्ते में आप चार बार सुन चुके हैं और वो हो भी क्यों ना क्योंकि मेरी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन जिन पे मुझे काफ़ी विश्वास है जो मैंने काफ़ी सालों की मेहनत के बाद बनाई जिस पे ऑलमोस्ट आप भी उस पर अपना अपना जो है ब्लड लाइन डाल डाल सकते हैं आप भी विश्वास करते हैं कहीं ना कहीं हद तक वो जो इस बुलिश क्रॉस का टारगेट प्राइस वन बता रहा है सेवेंटी एट लगा लीजिए गिवर टेक वो मेरी लाइन से भी मैच करता है जो मैंने आपको ये वाला चार्ट हर मेरा चार्ट जो है यहाँ पर तेरासी हज़ार आके रुक रहा है आई थिंक क्योंकि ये फोर आवर टाइम फ्रेम पर है ये कुछ दिनों में घर कर लेता है क्रॉस लेने के मान लीजिए चार पाँच दिन बाद आई वुडेंट बी सरप्राइज कि अगर दो हफ्ते में बिटकॉइन का प्राइस एट्टी से एट्टी थ्री थाउजेंड डॉलर की तरफ चल पड़ेगा और ये फ्रैक्टल भी प्रूव होगा जिसका प्रमाण एस एन बी फाइव हंड्रेड के राइट साइड वाले फ्रैक्टल ने दिया है कि बुलिश क्रॉस के बाद आप वन पॉइंट थ्री एट टू आपको जाना चाहिए तो ये चार्ट दोस्तों मैंने टेक टेक्डेव की वेबसाइट से लिया है काफी अच्छी अच्छी वेबसाइट है जिनका काम वो यूट्यूबर वगैरह नहीं है उनका काम है चार्ट्स वगैरह प्रिपेयर करना तो आई थिंक वी हैव टू टेक इंस्पिरेशन क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स चार्ट बनाना हैट्स ऑफ बट कुछ ना कुछ चार्ट जो है हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन देते हैं बिलीव इट और नॉट आप तब बिलीव करना आपको पड़ेगा जब बिटकॉइन का प्राइस आज हुई है तीस मार्च पंद्रह अप्रैल या दस अप्रैल तक अगर हम इक्यासी बयासी हज़ार डॉलर तक चले जाएंगे तो आप अपने आप विश्वास करेंगे बेहतर है कि अभी विश्वास करें नेगेटिविटी के बारे में मत सोचें डिप को बाय करें ऑप्शन एक्सपायरी है आज मैंने आपको बताया था महीने का आखिरी दिन है तो ऑप्शन एक्सपायरी के चलते हलचल होती है तो उनसे डरे मत जैसे मैं आपको बार बार बताता आ रहा हूँ कि एस एन भी बहुत बुलिश है शुक्रवार को उसने एक नया ऑल टाइम हाई हिट किया वीक लेवल पर अगर आप देखें जो वीक गई है ये ऑलमोस्ट तिरपन तक चली गई थी तिरपन तक जो कि पिछले वाले तिरपन का भी एक तरह से प्राइस टूट चुका है एनी हाउ बिटकॉइन के साथ साथ एस एन पी फाइव हंड्रेड भी प्राइस डिस्कवरी में प्राइस डिस्कवरी वो फेज़ होता है जब अपना आप ऑल टाइम हाई ब्रेक करके बुलिश मोमेंटम में होते तो आपके लिए कोई भी टारगेट जो है मुश्किल नहीं है अब यहाँ पर बहुत बड़ी न्यूज़ मॉर्गन स्टैंडली जो अक्सर पिछली बियर मार्केट में बिटकॉइन के खिलाफ रहा करते थे ऐसा माना जा रहा है कि सात से दस दिनों में दे विल स्टार्ट सेलिंग बिटकॉइन ईटीएफ इनके पास 1.5 ट्रिलियन डॉलर की क्लाइंट्स एसेट्स हैं और हम ये क्यों कह रहे हैं एंड्रयू भाई साहब के हिसाब से ये लीकड पीपीटीज उनको मिली है जिसमें दर्श

अनकोरिलेटेड वॉलेटाइल एसेट बताया गया है रिस्क है करने के लिए कि इसमें काफ़ी पोटेंशियल बेनिफिट है बट यहाँ पर आपको वॉलेटिलिटी भी आती है मॉर्गन स्टैंडली एक आखिरी मेरे विचार से महा बैंक है जो इस रेस में जुड़ गया है दोस्तों 1.5 ट्रिलियन इज नॉट अ जोक मैं आपको अतिशोक्ति के लिए बताता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था मात्र थी थ्री ट्रिलियन है हमारी अर्थव्यवस्था का ऑलमोस्ट चालीस पचास के आसपास का एक बैंक जब वो बिटकॉइन बेचने लगेगा आप सोचिए कि और कितने रॉकेट बूस्टर्स यहाँ पर जुड़ेंगे एनी हाउ दोस्तों हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी काफी अच्छी चल रही है अगर आप भी इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को ज्वाइन करना चाहते तो पहले एक वीपीएन अकाउंट क्रिएट कीजिए ओके पे अकाउंट क्रिएट कीजिए बिटगट पे अकाउंट क्रिएट कीजिए बै बिट पर अकाउंट क्रिएट कीजिए और हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिस्क्रिप्शन में दिए हो लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं पहला यूट्यूब लिंक जो है मेरे साथ ट्रेड कीजिए और वो उसमें आपको हाथ पकड़ के सिखाया गया है एनी हाउ बहुत लंबी वीडियो थी इमन इनामुल भाई साहब को बहुत बहुत बधाई जो इन्होंने अपनी पिछले पूरे हफ्ते की मेहनत जो उसने कम्युनिटी की हेल्प की है उसका फायदा उनको आज मिला अगर अगले एक दो घंटे में आपको ज़रूर पचास डॉलर मिल जाने चाहिए जिसका मैं प्रमाण कल की वीडियो में शेयर करूंगा क्योंकि आपको हक बनता है सवाल करने का अगर आप को मुझ पर विश्वास नहीं है तो धन्यवाद दोस्तों अपना ख्याल रखिए हाँ मैंने गिव अवे सवाल बीच में पूछा था कल कल दो लोगों ने कहा मैंने वीडियो तीन बार देख लिया मुझे गिव अवे मिला नहीं मैं जानबूझ के गिव अवे सवाल वीडियो के बीच में पूछता हूँ क्योंकि बहुत लोग स्किप कर करके देखते हैं मैं हार्डली दस या बारह मिनट की वीडियो बनाता हूँ और मैं मैं इस बात को थोड़ा सा इंसल्टिंग समझता हूँ कि आप मेरी वीडियो को स्किप कर करके देखें क्योंकि हर शब्द के अंदर गोल्ड है एनी हाउ आपके लिए Uh, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि आप हर वीडियो देखें हर वीडियो को uh, सही से समझें आई वॉन्ट टू आस् द इथीरियम प्राइस टारगेट जो कि फीवोनाची के प्राइस टारगेट के हिसाब से दर्शाया गया था वो, वो आप कमेंट कीजिए अपना यू एड्रेस बी ई पी ट्वेंटी चेन पर जरूर डालिएगा बी बैलेंस चेन रखिएगा थोड़ी चीप होती है इथियरियम चेन के ऊपर ऐसा ट्रांसफर करना मुश्किल होता है और अगर आपको नहीं समझ कि ये चेन कैसे चूज करते हैं वाट इज बी ई ट्वेंटी वाट इज़ यू एड्रेस ऑन इथियम ई आर सी और बी तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए मैं आपकी हेल्प करूँगा वहाँ पर समझाने के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों धन्यवाद जय हिंद